हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड होना भी चाहिए। यदि नहीं हो तो हो जाओ अच्छे, क्योंकि आज ऑलमोस्ट है लास्ट लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट। अभी तक हमने पूरा डिटेल में पढ़ा, हमने बोला कि क्या होता है सॉलिड, कितने टाइप्स होते हैं सॉलिड के, कैसे सॉलिड बनता है, क्या होता है यूनिट सेल। फिर हमने पढ़ा क्या होती है डेंसिटी। आज वाला लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा हुआ था वो पढ़ा था डिफेक्ट्स, और ये है आज आपके पास लास्ट लेक्चर सॉलिड स्टेट का। और आज के बाद सॉलिड स्टेट आपका फिनिश हो जाएगा और हम फिर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे आपका इलेक्ट्रो केमिस्ट्री पे, चैप्टर नंबर थर्ड पे। ओके, सो आज का टॉपिक है हमारे पास लास्ट टॉपिक, यस, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो अभी यदि बात करें हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास सॉलिड्स में प्रॉपर्टीज किसकी वजह से होंगी, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उसमें। अब यदि आपके पास वो सॉलिड आयनिक है तो ऑब्वियस सी बात है आयन्स होंगे। यदि वो सॉलिड आपके पास मेटैलिक है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मेटल पार्टिकल्स होंगे, पॉजिटिव आयन्स होंगे। तो वही लॉजिक हमने पढ़ा, ये तो क्लासिफिकेशन में सारा पढ़ा ही था कि कितने टाइप के सॉलिड्स होते हैं। तो डैट मीन्स दो तरीके से हमारे पास ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज पढ़ी जाएंगी। एक तो ये कि इलेक्ट्रॉन्स आपका मूव कर रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो किसकी वजह से होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मूव करते हैं। तो डैट मीन्स आपके पास वहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल। और जब इलेक्ट्रॉन आपका किसी एक ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करेगा, या फिर अब जब आपका मूव करता है, एक तो वो कंडीशन हो गई, और एक होता है रिवॉल्व करने की, कि पता चला हमारे पास एक सर्कुलर पाथ रखा हुआ है ना, वायर को ले लो, सर्कुलर रखा हुआ है, तो वो उसी के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो रिवॉल्व कर रहा मतलब एक सेंटर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना। तो जब एक सेंटर के अलॉन्ग वो रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, तो ऑब्वियस बात है उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस होगा, तो उसको बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो हमें दो प्रॉपर्टीज पढ़नी है आपके पास। पहली, फर्स्ट नंबर आपके पास इलेक्ट्रिकल, और सेकेंड नंबर आपके पास हो जाएगी मैग्नेटिक। क्लियर? तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे आपके पास, हम स्टार्ट करेंगे ऑलमोस्ट फर्स्ट नंबर से, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लॉजिक बहुत सिंपल सा है हमारे पास। यदि बोला जाए कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो किस वजह से होती है, तो सीधा सा लॉजिक है हमारे पास, यहाँ से आंसर आ जाएगा क्या, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि जब इलेक्ट्रॉन्स आपके पास एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते हैं, तो वहाँ से आपके पास जनरेट होती है एक टर्म जिसको बोलते हैं हम क्या, कंडक्टिविटी। और शायद आपने क्लास टेंथ में, आपको याद हो, आपने पढ़ा हुआ था रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है रो एल बाई ए। तो यदि यहाँ से आप रो बोलो रेजिस्टिविटी है, रो निकालो तो क्या हो जाता है आपके पास, आर ए बाई एल। यदि आप इसकी यूनिट निकालो, बहुत ध्यान समझना हम क्या समझा रहे हैं आपको, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगी आपके पास ओम, और एरिया हो जाता है मीटर स्क्वायर, और अपॉन में लेंथ क्या हो जाती है, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा, मीटर। तो मतलब रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो क्या जाती है, ओम मीटर। क्लियर? और ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है सिग्मा, और ये निकालते हैं वन अपॉन रेजिस्टिविटी से। तो डैट इज द रीजन कि जो रेजिस्टिविटी की यूनिट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ओम इनवर्स और एम इनवर्स। और ओम इनवर्स को ही हम बोलते हैं क्या, साइमन। तो डैट मीन्स जो यूनिट होती है हमारे पास किसकी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यूनिट होती है वो क्या होती है, साइमन मीटर इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये क्यों बताया आपके पास, क्योंकि इसके पीछे भी अभी लॉजिक है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। तो हुआ क्या कि जो भी आपके पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है। हो सकता है किसी मटेरियल पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, हो सकता है किसी पे बिल्कुल मूव ना कर रहा है, हो सकता है किसी में थोड़ा सा मूव कर रहे हैं। तो जिसमें बहुत फास्ट मूव कर रहे होंगे वो आपके पास क्या होगा, ऑलमोस्ट कंडक्टर। जिसमें बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे होंगे वो हो जाएगा इंसुलेटर, है ना। कंडक्टर का मतलब क्या हो गया कि जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को पास कराएं, मूव कराएं हमारे पास। क्लियर? और जब बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव होगा तो जो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, मतलब पैसेज ऑफ करंट, करंट का पास होना, वो भी बहुत ईजिली होगा। तो हम कह सकते हैं कंडक्टर हो गया। यदि हम बात करें इंसुलेटर की, तो ऑब्वियस सी बात है, इंसुलेटर का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्लो नहीं कराएगा, और जब नहीं कराएगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होगी, तो करंट जनरेट नहीं होगा। लॉजिक समझ में आ गया हमारे पास। तीसरा होता है सेमी कंडक्टर, जहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा मूव हो जाता है, और जब थोड़ा सा मूव हो जाएगा तो थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो दैट मीन्स आपके पास डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ मटेरियल,
टाइप ऑफ मटेरियल क्लासीफाई किया जाता है हमारे पास इसको थ्री पार्ट्स में, जिसमें पहला पार्ट हमारे पास होता है कंडक्टर। क्या होता है हमारे पास? कंडक्टर। क्लियर। तो अब ऑब्वियस सी बात, अभी अभी मैं आपको बता के गए कि कंडक्टर का मतलब यही है कि हमारे पास क्या करे, वो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको क्या करे, पास आउट करा दे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, विच अलाउज पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, कि मतलब आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट का जो पास आउट है वो आसानी से आपके पास करा देता है, तो हम कह देंगे उसको कि वो क्या है हमारे पास, कंडक्टर है। अब ये दो टाइप के होते हैं हमारे पास। बोले सर कि ये भी दो टाइप के होते हैं? यस, एक होता है हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर, है ना, और दूसरा होता है हमारे पास, यस, पहला हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, सेम। क्लियर, इसका मतलब यही तो हो गया कंडक्टर। तो मेटेलिक का मतलब क्या हो गया, ध्यान समझना, मेटेलिक का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ कॉपर हो गया, है ना, जैसे हमारे पास कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनके वायर्स होते हैं, है ना। जैसे हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक की, तो ऑब्वियस सी बात इलेक्ट्रोलाइटिक में आपके पास जैसे हमारे पास हो गया क्या, NaCl हो गया हमारे पास, है ना, या कोई दूसरा ले लो हमारे पास जैसे KOH हो गया, है ना। तो अब लॉजिक समझिएगा जरा, हमारे पास क्या लॉजिक ये हो गया कि जो मेटेलिक कंडक्टर है, तो मेटेलिक कंडक्टर का मतलब हमारे पास क्या हो गया कि इसमें भी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चेंज कि इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा, मतलब ये ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स का बिल्कुल भी लॉस नहीं करेगा हमारे पास। दैट मीन्स आपके पास यदि सी यू है तो सी यू का सी यू रहेगा, एफ ई है तो एफ ई का एफ ई रहेगा, ए एल है तो ए एल का ए एल ही रहेगा। जैसे कॉपर वायर होता है तो कॉपर का ही तो हुआ, तो उसमें क्या होगा, जैसे आपने स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रॉन्स फुल फ्लो होने लगे, तो इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज थे, और वो किसके थे हमारे पास, मेटल के। कॉपर यदि आपके पास वायर है तो पूरा का पूरा जो वायर है वो किसका है, कॉपर का, और कॉपर क्या है, मेटल, है ना। तो वो जो इलेक्ट्रॉन उसमें पास आउट हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके हैं, कॉपर के हैं। भाई ये वायर है कॉपर में आपके पास है कॉपर का, तो पूरे के पूरे जो इसमें पॉजिटिव आयंस होंगे वो किसके के होंगे, कॉपर के होंगे, तो उसको बोल देते हैं हम क्या, मेटेलिक कंडक्टर। बात समझ में आ रही है। और आप इसमें कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करा दो, ये कभी भी अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेंगे, कहने का मतलब ये कॉपर के कॉपर ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन उधर भाग गए कुछ उधर भाग गए, Cu2+ में कन्वर्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं। तो डैट इज रियन कि यदि हमारे पास वो आपके पास कोई केमिकल चेंज उसमें नहीं हो रहा है, तो विदाउट यदि केमिकल चेंज है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉपर। अच्छा, दूसरा नंबर क्या बोला गया हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइटिक। तो इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब यही हो गया हमारे पास क्या, कि जैसे NaCl है, अब NaCl हमारे पास है, यदि हमने इसको बोले कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, ये पॉजिटिव गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। जब आप स्विच ऑन करते हो तो ऐसा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव होने लगते हैं, तो उनको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, क्लास 12th में 10th में ही पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है हमारे पास, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास उनमें फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और जिसकी वजह से वो आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। क्यों, क्योंकि सारे के सारे क्या थे, सेम चार्ज थे मेटेलिक में। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये मेटल है नॉन मेटल है, तो मतलब ये वाले पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे से बाउंडेड रहते हैं, तो ये तब तक मूव नहीं कर सकते जब तक कि इनको हम आयनाइज ना कराएं। कहने का मतलब, जब तक आप Na+ और Cl- अलग करा करके इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोवाइड कराओगे, तब तक ये आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। कहने का मतलब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया यहाँ से, कि ये कभी भी अपनी इस फॉर्म में, बाजार में मतलब सॉलिड फॉर्म में कंडक्टिविटी नहीं करेंगे। मतलब ये या तो कंडक्टिविटी करेंगे हमारे पास अपनी मोल्टन फॉर्म में, है ना, या फिर हमारे पास आयनाइज्ड फॉर्म में, जिसको बोलते हैं हम क्या, एक्वस फॉर्म। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन पे हमारे पास कंडक्टिविटी करेंगे। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन पे आकर के इनके आयन्स अलग अलग हो जाते हैं, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी मिली उसको तुरंत हमारे पास इनका फ्लो बन जाता है, तो ये कंडक्टिविटी करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती, तो ये सॉलिड फॉर्म में भी कंडक्टिविटी करेंगे और आयनिक फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में तो करेंगे ही करेंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, कंडीशन समझ में आ रही है। सो डैट इज़ अ रीजन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपने उसको पहले आयनाइज कराने के लिए उसको सपोज करो वाटर में मिलाया, तो अब आयन्स मिले वहाँ से, तो आयन्स मिले तो मतलब यहाँ पर आपके पास क्या होता है, केमिकल चेंज रहता है। हमें ये समझाना था केवल आपको,
तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? हैं दोनों आपके पास कंडक्टर ही, फर्क सिर्फ इतना है कि मेटैलिक कंडक्टर में केमिकल चेंज नहीं होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में मेटैलिक केमिकल चेंज होता है, तब जाकर के हमारे पास वो कंडक्टिविटी करता है। ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में भी करेगा कंडक्टिविटी, ये आपका एक्वस फॉर्म में भी करेगा, बट ये आपका सॉलिड फॉर्म में नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका एक्वस फॉर्म में करेगा, एक्वस फॉर्म दैट इज आयनाइज्ड फॉर्म। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, क्लियर है? तो ये दो टाइप के हमारे पास कंडक्टर थे। अब यदि यहाँ पर हम बोले कि इसकी कंडक्टिविटी रेंज क्या होती है, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसकी जो रेंज होगी वो 10^7 से 10^-20, समझिएगा, साइमन मीटर इनवर्स। कहीं कहीं बुक में ये लिखा होता है, कहीं कहीं बुक में लिखा होता है, मोस्टली बुक में यही लिखा रहता है, क्या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। समझ में आ रहा है कहाँ से आ रहा है? अब आपको समझ में आ रहा है कि हमने ये क्यों निकाला था? तो हर एक चीज़ के पीछे रीजन होता है हमारे, बिना रीजन के तो हम घर से बाहर कदम भी नहीं निकालते, समझ रहे हैं, और निकालना भी नहीं चाहिए। अब बोलो सर कोरोना चल रहा है इसलिए? नहीं नहीं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, जितना आगे बढ़ाना चाहते हो मतलब खुद पे कंसंट्रेट करो, दूसरों पे करोगे तो कभी नहीं बढ़ोगे। तो क्या कंडीशन समझ में आई यहाँ पर? यहाँ पर ये समझ में आई कि ओम मीटर है ना, ओम मीटर होती है रेजिस्टिविटी की, उसका रेसिप्रोकल करा दिया तो मिल गई कंडक्टिविटी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर लिख दो साइमन मीटर इनवर्स। अब आप बोलोगे सर ये क्या लिख दिया आपने, तो ये हम बता रहे हैं क्या लिख दिया हमने, ये बताया कि 10^7, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फिजिक्स में, क्या कि यहाँ पर बोलो सर फिजिक्स बहुत आती है आपको, पढ़ाते हैं भैया हम फिजिक्स, केमिस्ट्री खत्म हो रही तो फिजिक्स ही शुरू करेंगे। खैर तो देखो जरा यहाँ पर 10^7 क्या, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कहने का मतलब कि हम किसी भी नंबर को ऐसे लिखते हैं, ये उसका साइंटिफिक नोटेशन है। तो अब देखो 10^n क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है, ये क्या होता है मैग्नीट्यूड, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो 10^n ऑर्डर है आपके पास, तो ये जो होता है इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है 10^4 से 10^7, है ना, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कोई प्रॉब्लम, बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है? उसके बाद देख लो जरा आप सिचुएशन को, यहाँ पर यदि हम इसकी रेंज देखना चाहें तो रेंज में बड़ा सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है हमको कि 10^4 से 10^7, कहने का मतलब 10^7 मैक्सिमम वैल्यू हो गई और 10^-20 मिनिमम वैल्यू हो गई किसकी, कंडक्टिविटी की। इस कंडक्टिविटी के रेंज में हमारे पास जो कंडक्टर्स हैं वो आपके पास मूवमेंट करते रहते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है? अब आ रहे थे नेक्स्ट टॉपिक पे। क्लियर, जल्दी से देख लेते हैं जरा, जो आपके पास सेकेंड नंबर पे होते हैं इंसुलेटर, इंसुलेटर की रेंज क्या होती है? तो ऑब्वियस सी बात है, अब इंसुलेटर में तो फैक्ट है, इसकी डेफिनेशन कोई बोले क्या हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है विच डज नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पैसेज का वाला समझ रहे हो ना, पैसेज का वाला पास आउट कराना, तो जो इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट नहीं कराएगा ऑब्वियस सी बात है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंसुलेटर। यदि बोला जाए इसकी कंडक्टिविटी रेंज क्या हो जाती है, तो इसकी कंडक्टिविटी रेंज से पहले हम लिख लेते हैं किसकी रेंज, सेमी कंडक्टर की, तब आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। क्लियर, अब सेमी कंडक्टर केस में देखना जरा, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास कि सेमी कंडक्टर का मतलब, यहां पर सेमी का मतलब क्या हो गया, हाफ, है ना, सेमी का मतलब क्या हो गया, हाफ। अच्छा तो ये हाफ क्या होता है हमारे पास, कंडक्टर होता है, हाफ कंडक्टर होने का मतलब ये हो गया कि ये कुछ ना कुछ पोर्शन इलेक्ट्रिक करंट का क्या करता है, पास आउट कराता है। क्या हो जाएगा यहां पर, पासेस पार्सली इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको पार्सली, मतलब पूरा इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करा देगा तो ऑब्वियस सी बात है कंडक्टर हो जाएगा, तो डिफरेंस क्या बचा, तो थोड़ा सा पास आउट कराता है। तो दैट इज द रीजन कि जहां से ये खत्म होता है 10^4 वहां से ये शुरू होता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10^4 से लेकर के 10^-10, ये हमारे पास हो जाता है ऑर्डर किसका, कंडक्टिविटी रेंज का, किसके केस में, सेमी कंडक्टर केस में। अब यदि इसमें आपको डाउट हो रहा हो कि भाई आपने यहां पर ये लिख दिया हमारे पास 10^-10, बुक में क्या लिखा होता है यहां पर 10^-6, क्लियर। अच्छा अब इसको लिख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा, 10^-10 में खत्म हो गया, इसकी जो कंडक्टिविटी रेंज होती है वो 10^-10 से लेकर के 10^-20 तक, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी मीटर इनवर्स। क्लियर, तो मतलब ये हमारे पास कंडक्टिविटी रेंज हो गई किसकी, इंसुलेटर की। दैट मीन्स ये बिल्कुल भी आपके पास करंट पास आउट नहीं कराते हैं, थोड़ा सा भी करंट पास आउट नहीं कराएंगे,
ये हमारे पास थोड़ा सा कराते भी हैं। तो रेंज यदि हमारे पास सपोज करिए देखिए 10^7 से 10^4 पे ख़त्म हुआ था, तो ये मैक्सिमम हो गई, ये मिनिमम हो गई कंडक्टर की। फिर यहीं से तो सेमी कंडक्टर स्टार्ट होगा, तो ये हो गया। फिर इसके बाद से स्टार्ट होगा तो 10^-6 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन 10^-10 से इंसुलेटर स्टार्ट होता, मतलब ये कि 10^10 से पहले सेमी कंडक्टर ही तो रहा होगा। तो मोस्टली बुक्स में यहाँ पर 10^-6 लिखा होता है, जबकि होना क्या चाहिए 10^-10। क्लियर? मतलब इतनी रेंज यदि हमारे पास आ रही है तो वो हम कह सकते हैं कि वो आपका किसके अंदर आ रहा है, वो आ रहा है सेमी कंडक्टर के अंदर। और जैसे ही 10^-10 हुआ, उसके जस्ट बाद से, मतलब इसका मतलब समझिए, इसके बीच की वैल्यू बोली, इसका मतलब इसके बीच की वैल्यू बोली गई, इसका मतलब इसके बीच की वैल्यू बोली गई। तो ये क्या है? ये कंडक्टिविटी रेंज है। ये कंडक्टिविटी रेंज हमको ये बता रही है कि हमारे पास जो इंसुलेटर है वो सबसे लेस कंडक्टिव होता है, और जो आपके पास कंडक्टर्स हैं वो तो ऑब्वियस ही बात है सबसे ज़्यादा कंडक्टिव होते हैं। अब यदि हम बात करें यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन, ये आपके पास जो तीनों मटेरियल्स दिए गए हैं, क्लियर? किस पे? पहला आपके पास हो गया कंडक्टर पे, दूसरा हो गया हमारे पास सेमी कंडक्टर पे, और तीसरा हो गया हमारे पास इंसुलेटर पे। तो अब इसमें बहुत ध्यान समझिएगा, हमारे पास क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है ना? क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। तीनों ही केस में हमने टेम्परेचर को आपके पास बढ़ा दिया, टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज कर दिया। तो अब समझिएगा, टेम्परेचर यदि इंक्रीज कर गया तो इस पे जो कंडक्टिविटी होगी वो बढ़ेगी कि कम होगी? टेम्परेचर यदि हमने इंक्रीज कर दिया तो जो कंडक्टिविटी होगी हमारे पास वो आपका इस कंडक्टर्स में इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। बोलो सर इंक्रीज हो जाएगी। सर और फास्ट मूव करने लगेंगे, जितना फास्ट मूव करेंगे उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, यही ना सही जवाब? ऐसे ही उम्मीद कर रहे होगे, लेकिन गलत है। क्यों गलत है? ध्यान समझो, यदि आपने टेम्परेचर प्रोवाइड करा दिया कंडक्टर को तो इलेक्ट्रॉन्स और फास्ट मूव करेंगे, और क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, सेम हैं, है ना, सेम है। तो जब और फास्ट मूव होंगे तो उनके बीच में और कॉलिजन होगा। जैसे आप देखो, कभी जब आपके पास कोई एक वायर हो उसमें कंटिन्यूसली आप करंट फ्लो करा रहे हो तो कुछ टाइम पीरियड बाद हीट हो जाता है। क्यों हीट हो जाता है? वो हीट इस वजह से हो जाता है क्योंकि कंटिन्यूसली जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कोलाइड भी तो कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना सीधे भागे जा रहे हैं, कुछ एक दूसरे को रोक भी रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हो भाई, रुको इंतजार करो उस दूसरे गाले का, बात समझ में आ रही है? तो मतलब एक दूसरे से टकराते भी हैं, और इस वजह से जब कंटिन्यूसली करंट फ्लो होता रहता है तो वो कुछ टाइम पीरियड बाद वायर क्या कर जाता है, हीट कर जाता है। आप मोबाइल की केबल देख लो, यदि आपके पास थोड़ा सा लोकल है तो उसमें क्या होता है, हीट कर जाती है। क्यों हीट कर जाती है? क्योंकि कंटिन्यूसली जब आप उससे चार्जिंग लेते रहोगे तो करंट कंटिन्यूसली जब उसमें पास आउट होता रहेगा तो उसमें क्या होगा, हमारे पास हीट आ जाएगी। लॉजिक समझ में आ रहा है? वहीं पर यदि ज़्यादा पावर आ जाता है, मतलब बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, तो उतना लोड वो केबल बियर नहीं कर पाती है, इसलिए वो फॉल्ट हो जाती है, कहीं से बर्न हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है हमारे पास? तो लॉजिक समझिए, कंडक्टर्स में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मूव करेंगे उतना ज़्यादा एक दूसरे से टकराएंगे, और जितना ज़्यादा एक दूसरे से टकराएंगे उतना एक दूसरे को आगे जाने से रोकेंगे, मतलब कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो क्या आंसर आ जाएगा कि यदि आपके पास टेम्परेचर बढ़ा दिया गया तो जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाएगी, और रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू कॉलिजन्स। अब कॉलिजन्स तो उसमें भी होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेसिव, कि भाई जो एक्सेसिव मतलब कि ज़्यादा कॉलिजन्स हो जाएंगे उसकी वजह से हमारे पास ये कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज कर जाएगी। सेमी कंडक्टर में तो वैसे भी ज़्यादा फास्ट फ्लो नहीं हो रहा था, तो यदि आपने थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो फ्लो और फास्ट हो जाएगा। तो मतलब इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, कि कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। लॉजिक समझ में आ रहा है? और यदि बोला जाए इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर में तो बिल्कुल मूव नहीं कर रहे थे, तो जिनमें मूव बिल्कुल नहीं कर रहे हैं या थोड़ा सा मूव कर रहे हैं तो थोड़ा सा टेम्परेचर मिलेगा तो मतलब काइनेटिक एनर्जी मिलेगी ना उनको, तो वही काइनेटिक एनर्जी लेकर के मूव कर जाएंगे। तो इंसुलेटर के केस में क्या होगा, हमारे पास इंक्रीज करेगी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि बहुत कम, डेट इज लिटिल बिट। बात समझ में आ रही है? कि लिटिल बिट आपके पास कंडक्टिविटी इसमें होगी, किस केस में, आपके पास इंसुलेटर के केस में। तो ये तो था टेम्परेचर का इफेक्ट, जहाँ से हम आपके पास ये बता सकते थे कि कैसे आपके पास कंडक्टिविटी उसमें हो रही है। अब हम पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म से आपको ये पता चलेगा कि कैसे हमारे पास कंडक्टिविटी होती है, कैसे इलेक्ट्रॉन एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है।
बात समझ में आ रही है? और जब जाता है तो जहाँ से जाता है वहाँ क्या प्रॉब्लम नहीं होती? क्या होते हैं आपके पास सेमी कंडक्टर्स, क्या होते हैं एन टाइप, क्या होते हैं पी टाइप, सारा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो अब हेड डाल लीजिएगा, हेडिंग है आपके पास मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना। तो अब यहां से ये पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म का मतलब होता है प्रोसेस कि कैसे वो आपके पास अगर कर रही है। तो इसको हम आपके पास जो एक्सप्लेन किया जाता है इसको हम बैंड थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। कौन सी थ्योरी? बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी क्या होती है एक्चुअली? उसमें दो बैंड्स होते हैं। पहला होता है हमारे पास वैलेंस बैंड। क्लियर? क्या होता है हमारे पास? फर्स्ट नंबर होता है आपके पास वैलेंस बैंड। यदि बोला जाए कि भाई हमारे पास वैलेंस बैंड क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपने पढ़ा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बाहर मूव कर रहे होते हैं, क्लियर, आउटर मोस्ट सेल में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट फील्ड, आउटर मोस्ट फील्ड एनर्जी बैंड्स। क्लियर? कि जो आउटर मोस्ट होते हैं हमारे पास एनर्जी फील्ड एनर्जी बैंड्स, मतलब एनर्जी के थ्रू फील लेते हैं जो आउटर मोस्ट बैंड, तो आउटर मोस्ट का मतलब ही हो गया वैलेंस। तो उसी को बोल देते हैं हम क्या? वैलेंस बैंड। और यदि बात करी जाए हमारे पास कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? एबव, एबव वैलेंस बैंड वेयर एम्प्टी लेवल एग्जिस्ट। क्लियर? बात समझ में आ रही है कि वहां पर जहां पर आपके पास इसके जस्ट एबव, मतलब इसके जस्ट एबव जहां पर हमारे पास ऑलमोस्ट एम्प्टी स्पेस आप लेवल रहता है, और ये जो एम्प्टी स्पेस होता है हमारे पास फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब उनके वहां पर जाने के लिए। अब समझिए जरा इसको, अभी आप इसको कम समझ पा रहे हो तो आप यहां समझ लीजिएगा, समझिए इसको, ये कंडीशन हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास क्या? ये हो गया एनर्जी लेवल। क्लियर? और यहां पर हमारे पास क्या हो गया आपके पास? जो भी आपके पास मटेरियल हो गया, अब वो मटेरियल आपके पास हो सकता है ऑलमोस्ट, यहाँ पर आप या तो इलेक्ट्रॉन्स लिख लो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये जो पहला पोर्शन हो गया हमारे पास है ना, इसको बोलते हैं हम वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं आपके पास? वैलेंस बैंड। उसके बाद बीच में थोड़ा सा हमारे पास स्पेस हो गया, और थोड़ा सा स्पेस होने के बाद हमारे पास यहाँ से जो मिला हमको ये हो गया हमारे पास कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। तो अब बहुत ध्यान से हम आपको समझाते हैं, एक्चुअल में बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, है ना। बहुत ध्यान समझिएगा कॉन्सेप्ट को, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो होगा क्या हमारे पास कि कंडक्टिविटी का रीज़न समझिएगा, कंडक्टिविटी का रीज़न यदि आपसे बोला जाए कि कोई भी मेटल रिएक्टिव कब होती है, तो हमें पढ़ाया गया है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको लूज या गेन करके, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी, मेटल की बात कर रहे हैं, तो वो लूज करके ही अपने आप को रिएक्टिव बना सकती है। तो यहाँ पर यदि ये कंडक्टिविटी कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा? जो आउटर मोस्ट होगा। तो वही लिखा हुआ हमारे पास आउटर मोस्ट फिल एनर्जी बैंड्स, कि जो सबसे बाहर होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास जो एनर्जी बैंड होता है, एनर्जी होती है, तो उसी का ग्रुप। बात समझ में आ रही? बैंड का मतलब एक कंटिन्यूसली ग्रुप की बात करी गई है जहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। तो ये आपका वैलेंस बैंड है, मतलब आउटर मोस्ट आपका बैंड है जहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए। अब जैसे कंडक्टिविटी होनी है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ये स्पेस को लीव करके उस एम्प्टी लेवल पे जाएगा जहाँ पर आपके पास एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जाते हैं, कि मतलब इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी एनर्जी कहीं से मिली तो ये अपनी सरफेस लीव करके आपका चला जाएगा ऊपर वाले सरफेस में, और जहाँ पर यदि वो पहुँच गया तो यहाँ से आपके पास कंडक्टिविटी थोड़ी सी हो गई। अब जब ये गया वहाँ से तो यहाँ पर हो गया आपके पास होल, तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल। क्लियर? और इसको बोलते हैं
मोबाइल इलेक्ट्रॉन, कौन सा? आईफोन इलेक्ट्रॉन नहीं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। बात सुन यार, मोबाइल इलेक्ट्रॉन का मतलब हमारे पास हो गया कि जो मूवमेंट करते हैं। मोबिलिटी का मतलब क्या है? मूवमेंट से हमारे पास। तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन हो गया जो मूव करके आया, और जहां से मूव करके आया वह हो गया इलेक्ट्रॉन होल। तो बहुत ध्यान से समझो, अब जब ये स्पेस आ गया तो इस स्पेस को भरने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा इस पोजीशन पे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, ध्यान से समझना, तो यहां खाली हो जाएगा स्पेस, क्लियर। फिर इसको भरने के लिए ये वाला यहां पर आएगा, तो यहां स्पेस खाली हो जाएगा। फिर ये वाला इसको फिल करने का आएगा। तो ऐसे ऐसे करते करते क्या होता है, ये कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एक दूसरे के प्लेस को फिल करते रहते हैं। तो दो टाइप के करंट जनरेट होते हैं यहां से। एक तो हमारे पास होता है क्या, होल करंट। कौन सा करंट हमारे पास? होल करंट। और दूसरा होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन करंट, क्लियर। बात समझ में आ रही है कि डेट मीन जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव किया, तो एक तो इसके मूव करने से हमारे पास एक करंट जनरेट हो गया जिसको हमने बोला क्या, इलेक्ट्रॉन करंट। और फिर उसके बाद जो होल क्रिएट हुआ, उस होल को फिल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, उसकी वजह से एक करंट जनरेट हुआ जिसको बोला हमने क्या, होल करंट। बात समझ में आ रही है? तो कंडक्टिविटी का लॉजिक समझ में आ रहा है। कंडक्टिविटी दो चीज़ों की वजह से होती है, एक तो होल करंट की वजह से, एक इलेक्ट्रॉन करंट की वजह से। दो बैंड होते हैं, एनर्जी बैंड और वैलेंस बैंड। अब आप सोचो कि यहाँ पर यदि आपसे बोला जाए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस हद जाने में कब सबसे जल्दी जा सकता है, कब सबसे जल्दी जा सकता है, थोड़ा सा माइंड लगाओ। यस, तो ये सबसे जल्दी तब जा सकता है जब इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, सबसे कम हो। तो ये जो इनके बीच की डिफरेंस होता है डिस्टेंस का, इसको बोलते हैं हम क्या, फॉरबिडन, फॉरबिडन एनर्जी गैप, क्लियर। बात समझ में आ रही है कि इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वही है फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो अब ये डिफरेंस कितना कम होगा, उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, क्लियर है? जितना आपके पास ये डिफरेंस कम होगा, उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन अपना सरफेस को लीव करके आपके पास इसमें चला जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो यदि हम इसको डिफाइन करना चाहें, तो यदि आपके पास कंडक्टर होता है, क्या होता है हमारे पास, कंडक्टर। तो कंडक्टर के केस में जस्ट कुछ ऐसा फिगर बनता है कि ये हमारे पास हो गया यदि आपके पास क्या, वैलेंस बैंड। तो जस्ट इसी पे ओवरलैप कर जाता है हमारे पास क्या, कंडक्शन बैंड। कहने का मतलब यहां क्या लिख दोगे आप, ओवरलैप, क्लियर। यदि आपसे बोला जाए हमारे पास कि भाई सेमीकंडक्टर है, तो आप सेमीकंडक्टर में क्या कर सकते हो कि भाई हमारे पास ये यदि हो गया वैलेंस बैंड, तो थोड़ा सा डिस्टेंस में आपके पास आ जाएगा कंडक्शन बैंड, कोई प्रॉब्लम हमारे पास। और यदि हम बात करें आपके पास इंसुलेटर की, तो हम इसको इंसुलेटर मान सकते हैं, जहां पर आपके पास सबसे ज्यादा होता है क्या, फॉरबिडन एनर्जी गैप। और जब फॉरबिडन एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होता है, तो ये जो आपके पास वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन होता है वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता है, इसी वजह से इंसुलेटर में कंडक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन अभी हमने बोला टेम्परेचर प्रोवाइड कराओगे, तो टेम्परेचर प्रोवाइड कराने से कुछ ना कुछ आपके पास इसको मिलेगा टेम्परेचर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो हो सकता है एक दो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए इसमें, तो इसलिए वेरी लिटिल बिट कंडक्टिविटी शो करता है यदि हम टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे। और यहां पर यदि टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास सेमीकंडक्टर वाले केस में? लेकिन इसमें तो ऑलरेडी आपके पास मूव कर रहे थे, तो अब यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कॉलिजन ही बढ़ेगा, और कॉलिजन बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगी। होगी क्या होगा प्रॉब्लम आपके पास, सीधी सी बात है, जानते हो आप, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। खैर, बात समझ में आ रही? तो ये था हमारे पास ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट किसका, जो आपके पास एनर्जी गैप था, जिसको हमने बोला क्या, बैंड थ्योरी। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? तो ओवरऑल क्या समझ में आया कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है हमारे पास, वो सबसे ज्यादा किसमें होता है आपके पास, ऑलमोस्ट इंसुलेटर में, उसके बाद सेमीकंडक्टर में, और उसके बाद आपके पास कंडक्टर में। तो ये थी हमारे पास बैंड थ्योरी, क्लियर। अब इसी बैंड थ्योरी से हम पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में, ट्वेल्थ में है भी लास्ट चैप्टर, सबसे लास्ट चैप्टर, जहां पर आपके पास ऑलमोस्ट बैंड पढ़ाया गया है ना, तो वहां पर आपको ये पढ़ाया गया। तो उसमें थोड़ा सा और हम इसको बता देते हैं, जो कि आपका इसमें भी है। देखिए, सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं हमारे पास। कितने टाइप के हमारे पास? दो टाइप के, है ना, दो टाइप के हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं। पहला होता है हमारे पास इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है हमारे पास
सेकेंड नंबर थोड़ा सा गैप दे देते हैं, एक्सट्रिंसिक, क्लियर, थोड़ा फिजिक्स का भी आ जाएगा इसमें, तो इसलिए समझिएगा फिजिक्स में डेरिवेशन है इसमें, क्लियर, बाकी थ्योरी तो पूरी सेम है। तो इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक क्या होता है, तो इंट्रेंसिक वाला समझो, तो ध्यान समझो, इंट्रेंसिक वाला सारा का सारा इंटरनल है, इंट्रेंसिक इंटरनल वर्ड से डिराइव हुआ, और एक्सट्रेंसिक वाला बाहर वाले भी आ सकते हैं इसमें। तो यदि आपके पास बाहर वाले आ गए किसी सेमी कंडक्टर में, तो मतलब वो इम्प्योर हो गया, मतलब बाहर से जो आया उसमें वो क्या आई, इम्प्योरिटी आई। लेकिन यदि कोई इंट्रेंसिक मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ वही सेमी कंडक्टर है, तो कहने का मतलब कि जो प्योर सेमी कंडक्टर होते हैं हमारे पास, क्या प्योर सेमी कंडक्टर, और प्योर कोई तभी हो सकता है जब सिर्फ और सिर्फ आपके पास उसी टाइप के एलिमेंट हो। तो यदि हम बात करें सिलिकॉन की, तो ये सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ आपके पास जर्मेनियम है, तो ये हमारे पास क्या हो गया आपके पास इंट्रेंसिक, क्लियर। आप फिगर देख लो, आप फिगर में देख लो जरा, बड़ा सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा है कि सारे आपके पास सिलिकॉन के, तो जब सारे के सारे सिलिकॉन के हैं हमारे पास, तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या हो गया इंट्रेंसिक। लॉजिक समझ में आ रहा है, एक्सट्रेंसिक का मतलब हो गया हमारे पास एडिशन ऑफ इंप्यूटीज, इंप्यूटीज का मतलब हमारे पास हो गया अदर एटम्स। अच्छा, ये क्यों ऐड कराए जाते हैं, उसके पीछे भी रीजन है, कुछ शौक नहीं पड़ा किसी को कुछ करने का, उसके पीछे भी रीजन है हमारे पास, क्या रीजन है उसको बहुत ध्यान से समझते हैं कि एक्चुअल में जो 14 ग्रुप वाले होते हैं हमारे पास, 14 ग्रुप में सस्सी जी सोना पंजाब, क्लियर, यहाँ पर आपके पास कार्बन हो गया, सेलेनियम हो गया, सस्सी सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एसन हो गया, और पीबी हो गया। तो मोस्टली जो एप्लीकेशंस में यूज किए जाते हैं वो आपके यूज किए जाते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये किस ग्रुप के हो गए, ये हो गया 14th नंबर ग्रुप के। अच्छा, 15 नंबर ग्रुप पे आप देखना जरा क्या हो रहा था, ना पापा ऐसे सब बिगड़े, है ना, ना पापा ऐसे सब बिगड़े, और जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास जो लिए जाते हैं वो आर्सेनिक लिया जाता है हमारे पास। हालांकि होते मोस्टली सारे कंडक्टर कंसिडर कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो सेमी कंडक्टर वो तो आपके पास यही होता है ना, मतलब मेटोलाइट की कंडीशन में समझे तो। और यहाँ पर यदि हम देखें आपके पास 13 नंबर ग्रुप पे, तो क्या हो जाता है हमारे पास, बैगन आलू गाजर इन थैला, है ना, और थैला में टीएल। तो अब यहाँ पर मोस्टली आपका इंडियम गैलियम हो जाते हैं, ये मोस्टली आपके पास ज़्यादा वर्कआउट कराते हैं। तो अब हो क्या रहा है इसमें, ध्यान समझना जरा, हम ये बोल रहे हैं कि इंट्रेंसिक प्योर सेमी कंडक्टर हो गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास उसी के एलिमेंट होंगे, और उनसे जितनी कंडक्टिविटी हो सकती है बस उतनी ही मिल पाएगी, एक्स्ट्रा नहीं मिल पाएगी। सेमी कंडक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल कंडक्टिविटी के एरिया में इसलिए प्ले करते हैं क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी को हम बढ़ा या घटा सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, इम्प्यूटीज को ऐड करा के। यदि हमको ज़्यादा कंडक्टिविटी चाहिए, जो ये अप्लायंसेज होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, बहुत ज़्यादा करंट नहीं चाहिए होता है, बहुत छोटे छोटे अप्लायंसेज होते हैं, आपने देखा होगा जैसे झालर होती हैं, लाइट्स होती हैं, कितने छोटे छोटे आपके पास उसमें बल्ब लगे होते हैं, कितने छोटे छोटे उसमें LEDs लगी होती हैं, तो उसमें बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है। अब यदि उसमें आप ये डायरेक्ट करंट दे दोगे हमारे पास, तो वो तुरंत आपका फ्यूज हो जाएगा, वर्क करना बंद कर देगा। तो उसमें सेमी कंडक्टर्स यूज किए जाते हैं हमारे पास। ये सेमी कंडक्टर क्या करते हैं, डिजायरेबल करंट देते हैं उसको, ना तो बहुत ज़्यादा और ना तो बहुत कम। तो जितना ज़्यादा आपके पास चाहिए उतने ज़्यादा इम्प्यूरिटीज ऐड करा दो, जितना कम चाहिए उतना प्योर रख दो हमारे पास। तो डाइटीजरियन के डिजायरेबल होते हैं हमारे पास, इनकी कंडक्टिविटी को हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो डाइटीजरियन ये आपके पास मोस्ट सुटेबल होते हैं इन केस ऑफ अप्लायंसेस। तो अब ध्यान समझना, एक्सट्रेंसिक दो टाइप के कंडक्टर्स होते हैं, एक होता है हमारे पास एन टाइप सेमी कंडक्टर, और दूसरा होता है हमारे पास पी टाइप, क्लियर। एक हो गया हमारे पास एन टाइप और दूसरा हो गया हमारे पास पी टाइप। अब एन टाइप और पी टाइप में क्या डिफरेंस है, लॉजिक समझिएगा। एन का मतलब, इसको याद करने के लिए बताएं, एन का मतलब हो गया नेक्स्ट, और पी का मतलब हो गया प्रीवियस। एन का मतलब हो गया नेक्स्ट, पी का मतलब हो गया प्रीवियस, मतलब 14 के आगे वाला यदि कोई एलिमेंट आकर के इसमें कंबाइन हो गया, तो मतलब कौन सा सेमी कंडक्टर हो गया, एन टाइप। क्यों, क्योंकि 14 के आगे नेक्स्ट क्या आता है, 15। तो डैट इज अरियन की यदि कोई ये वाला एलिमेंट आकर के इसमें कंबाइन हो गया, तो हम कह सकते हैं कि वो आपके पास क्या हो जाएगा, एन टाइप सेमी कंडक्टर। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, तुरंत बता दो भी, पासन में आ रही है कि मतलब यदि ये आकर के इसमें कंबाइन हो गया। फिगर देखो, ऑब्जर्व करो फिगर में, आप क्या देख पा रहे हमारे पास
कि इस केस में आप सिंपल सा देख पा रहे होगे कि यहां पर आपके पास जो आर्सेनिक है ना, आर्सेनिक, अब आर्सेनिक आकर के सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में कंबाइन हो गया। तो जब आर्सेनिक सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में कंबाइन हो गया तो बहुत ध्यान से समझो कि सिलिकॉन चार बॉन्ड फॉर्म कर सकता था क्योंकि चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे सिलिकॉन के पास, तो उसने चार इलेक्ट्रॉन तो चार बॉन्ड तो फॉर्म कर दिए आर्सेनिक उस एटम के साथ, लेकिन आर्सेनिक के पास पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे क्योंकि 15 नंबर ग्रुप का है, सबके पास पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सबके पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सबके पास तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जब इसके पास पांच थे तो चार तो बॉन्ड फॉर्म कर गए, एक इलेक्ट्रॉन फिर भी बच गया और वही इलेक्ट्रॉन है मोबाइल इलेक्ट्रॉन। लॉजिक समझ में आया? क्या समझ में आया? कि यदि आपका सेमी कंडक्टर था तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कंप्लीटली कंबाइन थे, चार सिलिकॉन में होते चार आपके पास बॉन्ड सबके साथ फॉर्म कर रहा था तो भैया कंडक्टिविटी कहाँ ज्यादा हो पाएगी, कंडक्टिविटी के लिए तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इसलिए प्योर सेमी कंडक्टर में कंडक्टिविटी लो होती है। लेकिन जैसे ही आपने इम्प्योरिटी मिलाई एक एक्स्ट्रा मोबाइल इलेक्ट्रॉन आ गया और वही एक्स्ट्रा मोबाइल इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कंडक्टिविटी के लिए। लॉजिक समझ में आ रहा है? हमारे पास फील आया कुछ? आई बात समझ में? तो अब जब हमारे पास 15 नंबर ग्रुप का एलिमेंट 14 नंबर ग्रुप के साथ कंबाइन होगा तो उसी को हम बोल देते हैं क्या, डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग। डोपिंग का मतलब इम्प्यूटीज का एडिशन किसी प्योर सेमी कंडक्टर में। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो सेमी कंडक्टर होता है ये इम्प्योर सेमी कंडक्टर होता है, ये होता है प्योर। तो प्योर में जब कभी 15 नंबर ग्रुप का अटैचमेंट हो गया किसी एलिमेंट का तो हम कह देंगे कि वो आपके पास क्या हो गया, एन टाइप सेमी कंडक्टर। और ये जो प्रोसेस होती है जो आकर के उसमें कंबाइन हो गया इसी प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग। क्लियर? और ये जो एलिमेंट आया, जो ये एटम आया आर्सेनिक का, ये अटैच हुआ, इसी को बोलते हैं डोपेंट। क्या बोलते हैं हम आपके पास? दो पेंट नहीं पे, दो डोपेंट। बात समझ आई? डोपेंट, डी ओ पी ए एन टी। तो जो एटम गया वो डोपेंट, जो प्रोसेस हुई वो डोपिंग, और जो सेमी कंडक्टर मिला वो मिला एन टाइप सेमी कंडक्टर। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्लियर है? बात समझ में आ रही? तो यदि हम बोलें कि एन टाइप सेमी कंडक्टर में कंडक्टिविटी किसकी वजह से बढ़ी, मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब यदि जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी चाहिए उतने ज्यादा आर्सेनिक अटैच कराते जाओ, उतने ज्यादा मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मिलते जाएंगे, उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। फील आ रहा है? घुस रहा है कुछ दिमाग में? समझ लो। देखो अब यहां पर देखो, अब यदि हमने बोला कि कोई प्रीवियस वाला, प्रीवियस का मतलब होता है जस्ट पहले वाला, यदि कोई 13 ग्रुप का एलिमेंट आकर के इसके साथ कंबाइन कर गया तो हम कह देंगे कि वहां से जो डोपिंग मिला, मतलब जो सेमीकंडक्टर मिला वो कैसा मिला, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब आप नीचे वाले फिगर को ऑब्जर्व करो, उस नीचे वाले फिगर में आप ये देख पा रहे होगे कि जो इंडियम है हमारे पास, क्लियर, इंडियम जाकर के आपका सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में कंबाइन हो गया। तो अब इंडियम के पास है थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्योंकि इस ग्रुप में सबके पास थ्री होते हैं, तो तीन बॉन्ड तो सिलिकॉन के साथ फॉर्म कर गया लेकिन अब उसके पास हो गया एक इलेक्ट्रॉन की कमी, और दैट इज द रीजन हमारे पास वहां से क्रिएट हो गया हमारे पास क्या, एक फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गया, किसके पास, जो हमारा था सिलिकॉन। बासन में आ रही है? तो जो ये सिलिकॉन का हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया इसी की वजह से हमारे पास वहां पर ऑलमोस्ट कंडक्टिविटी होती है। और अब समझना, जब एक इलेक्ट्रॉन वहां कम पड़ गया तो इसी की वजह से वहां होल क्रिएट हो गया, तो इसी को बोलते हैं क्या, होल इलेक्ट्रॉन। बासन में आ रही? इसी को क्या बोलते हैं आपके पास, होल इलेक्ट्रॉन। तो वहां पर जो कंडक्टिविटी थी एन टाइप में वो थी किसकी, मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से, यहां पर किसकी वजह से है, होल इलेक्ट्रॉन की वजह से। लॉजिक समझ में आ रहा? और जितने ज्यादा होल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा और कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो ये था हमारे पास क्या, एन टाइप और पी टाइप सेमी कंडक्टर। कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पर तो बता दीजिए आप, सिंपल सा लॉजिक। क्लियर है? बात समझ में आ गई हमारे पास? आगे बढ़े तो इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं जरा। अब देखेंगे जरा बोर्ड पे कुछ एप्लीकेशन आ रहे होंगे। तो पहला एप्लीकेशन लिखा हुआ हमारे पास, जो डायोड होता है वो हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है किसका, एन टाइप और पी टाइप सेमी कंडक्टर का। क्लियर? और यूज किया जाता है एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब कि जो सर्किट में कभी आपके पास कोई प्रॉब्लम हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास, क्या करने के लिए, उसको सुधारने के लिए। तो रेक्टिफायर का मतलब होता है उसको करेक्ट करने के लिए। क्लियर? तो उसको बोलते हैं हम क्या, डायोड। सेकेंड नंबर एप्लीकेशन देखिएगा, ट्रांजिस्टर विच आर पी एन पी एंड एन पी एन सैंडविच सेमी कंडक्टर्स आर यूज टू डिटेक्ट और एम्पलीफाई द रेडियो और ऑडियो सिग्नल्स। कि मतलब जो PNP हो गया, NPN हो गया, ये पूरा डिटेल में फिजिक्स में पढ़ाया जाता है आपको सेमीकंडक्टर चैप्टर में। अभी तो हम आपको केवल बताए दे रहे हैं आपको ये, हालांकि इसमें है नहीं टॉपिक में, बट फिर भी हम उसके एप्लीकेशंस बताए दे रहे हैं आपको। क्लियर? तो जो PNP हो गया, जो NPN हो गया, ये आपके पास एज अ
सैंडविच सेमीकंडक्टर बोले जाते हैं, क्योंकि इनका शेप ही ऐसा होता है। क्लियर? जो आपके पास वर्क करते हैं हमारे पास रेडियो सिग्नल्स और ऑडियो सिग्नल्स को ऑप्टेन करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। और लास्ट हमारे पास सोलर सेल इज अ फोटो डायोड एंड यूज फॉर कन्वर्टिंग रेडियंट एनर्जी डैट इज लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि जो सोलर पैनल होता है उसमें बहुत सारे सोलर सेल्स होते हैं, तो वो सोलर सेल्स एज अ फोटो डायोड वर्क करता है। डैट मीन्स जो भी लाइट एनर्जी उसको मिल रही होती है वो सारी की सारी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? क्लियर है? तो ये थे हमारे पास ऑलमोस्ट एप्लीकेशंस। यहाँ से आपके पास ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आपका फिनिश हो गया। क्लियर? अब आ जाते हैं आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। क्लियर? सो अब यदि बोला जाए हमारे पास कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, हमने शुरुआत में ही क्लियर किया था कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स के कंटिन्यूअसली मोशन से होती है, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन से होती है। अब वो दो जगह रिवॉल्व कर सकता है हमारे पास। यदि कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो आप फिगर को ऑब्जर्व करो, हमारे पास फिगर आप सामने देख पा रहोगे। तो पहले फिगर में आप देख पा रहोगे कि जो इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिट के लॉन्ग रिवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है हमारे पास? एक ऑर्बिट के लॉन्ग रिवॉल्व कर रहा है। तो जो ये ऑर्बिट के लॉन्ग रिवॉल्व कर रहा होता है इसी को बोलते हैं हम क्या? ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। और दूसरे वाले केस में आप देख पा रहोगे यहां पर कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक्सिस के लॉन्ग रिवॉल्व कर रहा है। मतलब ध्यान से समझना, यदि हम आपसे बोले, आपने 11th में मोमेंट ऑफ इनर्सिया पढ़ा होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया बहुत आपको अच्छे से पता होगा कि एक पॉइंट के लॉन्ग रिवॉल्व करना मतलब ऑर्बिट के लॉन्ग रिवॉल्व करना। और जब एक कोई पर्सन रिवॉल्व कर रहा होता है तो किसी पॉइंट के लॉन्ग रिवॉल्व करने का मतलब वो ऑर्बिटल मोशन तो कर ही रहा है और खुद के एक्सिस के लॉन्ग भी वो रिवॉल्व कर रहा है। तो ऐसे यदि कोई इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब कि ऑर्बिट के लॉन्ग तो कर ही रहा है और खुद के एक्सिस के लॉन्ग भी आपके पास वो मूव कर रहा है। तो दैट इज द रीजन हमारे पास कि जो भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा, पहला वाला केस आपके पास एक ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है और दूसरा आपके पास स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है हमारे पास वो दो वजह से होता है। पहला, फर्स्ट नंबर, ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर? ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। और दूसरा हो गया हमारे पास स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। कि मतलब खुद के एक्सिस के लॉन्ग जब रिवॉल्व करता है तब होता है हमारे पास, और दूसरा जब आपके पास वो किसी एक न्यूक्लियस के लॉन्ग रिवॉल्व कर रहा होता है। दोनों ही कंडीशन पे जब रिवॉल्यूशन होता है तो वहां से एक टर्म जनरेट होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक मोमेंट। ये मैग्नेटिक मोमेंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है डी ब्लॉक में, इसी चैप्टर में, 12th क्लास में ही डी ब्लॉक में आपको पढ़ाया जाएगा, जहां पर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर में पढ़ाया जाएगा, जहां पर आपको पढ़ाया जाएगा सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब उस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपको बताया जाएगा कि एक्चुअल मैग्नेटिक मोमेंट होता है क्या। हम आपको सिंपल सा बता दे रहे हैं कि इसके दो फॉर्मूले होते हैं। क्लियर? कितने फॉर्मूले होते हैं? दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट को हम नोट इससे करते हैं, म्यू बी से। तो ये आपके पास हो गया म्यू, बी हो गया आपके पास ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड को जो शो करता है, तो वो होता है हमारे पास ऑलमोस्ट बी। तो बी का मतलब मैग्नेटिक, म्यू का मतलब मोमेंट। तो यहाँ से पहला फॉर्मूला हो गया 4s ब्रैकेट में s प्लस 1, जहाँ पर s क्या है हमारे पास? s है आपके पास स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। वहाँ पर आप डिटेल में पढ़ोगे कि s कैसे फाइंड आउट करते हैं। और जो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो आप आसानी से निकाल सकते हो, n n प्लस 2, वेयर n क्या है? n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? देखिए ये सारा आपके पास एक कॉम्पिटिशन पर्पज से पढ़ाया जाता है, तो आप यदि सोचो बोर्ड पर्पज से, तो बोर्ड पर्पज से तो है ही है, सबका सपना होता है यदि पीसीएम लिए हुए हो तो मेंस क्लियर करना है। एडवांस तो छोड़ दो, मान लो नहीं करने का मूड है, लेकिन मेंस तो सबका सपना होता है। और मेंस के लिए बोर्ड बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको रटा होना चाहिए, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। सो दैट इज द रीजन कि आप वर्कआउट करो, ये मत सोचो कौन क्या हो रहा है, ये सोचो कितना एक्स्ट्रा मिला जा रहा है हमको। बात समझ आ रही है? सो दैट इज द रीजन कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गया क्या? ऑलमोस्ट ये आपके पास प्रोवाइड करा देंगे कुछ ऐसा। इसकी जो यूनिट होती है हमारे पास, यूनिट क्या होती है? बीएम।
इसको बोलते हैं क्या, बोहर मैग्नेटन। क्लियर, बोर मैग्नेटन ये होती है हमारे पास यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम इन दो फॉर्मूले की वजह से आपका फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है हमारे पास। अब आ जाते हैं हमारे पास कि जो मटेरियल्स हैं हमारे पास वो कितने टाइप से हमको मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर, तो यहां देख लीजिए हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल डिपेंडिंग अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, कि मैग्नेटिक फील्ड के बिहाफ पे आपको बताना है कि हमारे पास कितने टाइप के मटेरियल मिलते हैं। तो पहला हमारे पास है फर्स्ट नंबर है हमारे पास डायमैग्नेटिक। क्लियर, डायमैग्नेटिक मटेरियल है ना। तो यदि आपसे कोई बोले कि भाई व्हाट आर डायमैग्नेटिक, तो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक दो टर्म्स होती हैं जो बहुत अच्छे से हमको पता होने चाहिए। कि मतलब यदि कोई एक ऑर्बिटल होता है तो उस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। यदि वो एस ऑर्बिटल है, पी है तो उसमें तीन रखे जाते हैं, डी है तो उसमें पाँच रखे जाते हैं, है ना। ये सारा का सारा आपने 11th क्लास में पढ़ा है ना, SPDF पढ़ा है ना 11th क्लास में। ये मत बोलो सर हमने नहीं पढ़ा। अब तुमने नहीं पढ़ा तो कैसे काम चलेगा फिर भैया। ये पी होता है हमारे पास है ना, ऐसे डी में पांच ऑर्बिटल होते हैं, एफ में सेवन ऑर्बिटल्स होते हैं। हमने ये भी पढ़ा जी क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि उतने एलिमेंट्स नहीं है। खैर आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान समझना, ये है फुली पेयर्ड। यदि हम एक इलेक्ट्रॉन इसका हटा दें तो ये अनपेयर्ड हो गया। तो मतलब यदि ये फुली पेयर्ड है तो मतलब ये डाया मैग्नेटिक है। डाया का मतलब टू, एक ऑर्बिटल में दो हैं मतलब डाया, याद हो गया। वास्तव में पैरा का मतलब जहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, कहने का मतलब कि हम इसको हटा दें, दिस वन वी रिमूव दिस नाउ पैरा मैग्नेटिक। वास्तव में आ रही है, क्लियर है। सो एक भी इलेक्ट्रॉन यदि कम हो गया तो पैरा मैग्नेटिक। अब बोलो कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट अभी पढ़ा था फॉर्मूला, यहां पर अंडर रूट एन एन प्लस टू, जहां पर एन था नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, एन की वैल्यू हो जाएगी वन। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा हमारे पास वन, वन प्लस टू तो क्या आ जाएगा हमारे पास रूट थ्री, रूट थ्री मतलब 1.73 बोर मैग्नेटन। आया कुछ समझ में, घुसा कुछ दिमाग में, बात समझ में आ रही है। तो डाया का मतलब फुली पेयर्ड और पैरा का मतलब जहां पर अनपेयर्ड हो। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास, ये आपके पास वीकली रिपेल्ड होते हैं, क्या डब्ल्यू ई ए के एल वाई वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, कि ये आपके पास वीकली रिपेल्ड होते हैं। और वीकली रिपेल्ड इसलिए होते हैं हमारे पास क्योंकि आपके पास ये बिकॉज ऑफ फुली पेयर्ड कॉन्फिगुरेशन। कि इनका जो कॉन्फिगुरेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, फुली पेयर्ड होता है एंड कैंसल्स आउट द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डायपोल या मैग्नेटिक मोमेंट लिख दो, बात वही है, मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर, कि मतलब एक की वजह से पॉजिटिव मैग्नेटिक मोमेंट मिला, दूसरी की वजह से नेगेटिव मिल गया, तो ओवरऑल क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो जब इस पर कोई मैग्नेटिक मोमेंट होगा ही नहीं तो जो इनका रिपल्सन है मैग्नेटिक फील्ड में वो भी बहुत कम होगा, तो इनको हम बोल देंगे आपके पास क्या, पैरा मैग्नेटिक। क्लियर है, बात समझ में आ रही है हमारे पास। पैरा मैग्नेटिक वो हो गए जो हमारे पास वीकली रिपीट होते हैं। एग्जाम्पल यदि इसके कोई बोल दे हमसे क्या हो जाएंगे, तो हम बोल देंगे कि भाई हमारे पास हो जाएगा NaCl, फिर हमारे पास हो जाएगा आपके पास H2O, फिर हो जाएगा हमारे पास C6H6। आपको पता है C6H6 क्या होता है, दैट इज बेंजीन। अब आ जाते हैं सेकेंड नंबर पे जो है आपके पास पैरा मैग्नेटिक। क्लियर, क्या हो जाएगा हमारे पास पैरा मैग्नेटिक। ऑब्वियस बात है आपके पास पैरा मैग्नेटिक में क्या होता है हमारे पास, कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास
तो सीधा सा लॉजिक है, ये हमारे पास आपके पास अट्रैक्टेड होते हैं, किसके थ्रू? अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, अब हम मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लिखे दे रहे हैं बी, क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लिखा जाता है बी से, है ना, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एक तो होना ही चाहिए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास ये क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं हमारे पास किस पे, कि जो भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए जाएंगे तो ये उस पर हमारे पास अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों अट्रैक्ट हो जाएंगे? क्योंकि इस पर क्या होते हैं आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि इसके एग्जाम्पल लिखना चाहें तो बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास, जैसे हो जाएगा आपके पास सी यू टू प्लस, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास एफ ई टू प्लस, तो ये सारे क्या हो गए हमारे पास, इन सब में क्या देख पा रहे होगे आप, इन सब में आप ये देख पा रहे होगे कि आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम कह सकते हैं सीधा सा लॉजिक कि ये हमारे पास आपके पास मूव करेंगे। जैसे आपके पास हो गया टी आई ओ, फिर हो गया आपके पास टी आई टू ओ थ्री, तो बहुत सारे हमारे पास हो गए, क्लियर, सॉरी थ्री प्लस, तो ये हमारे पास हो गया क्या पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक के केस में आप ये देख पा रहे होगे कि सीधा सा लॉजिक कि वहाँ पर आपके पास वो अट्रैक्ट करेगा करेगा, क्यों करेगा करेगा, क्योंकि वहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और जब कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड पे अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, क्लियर है? अब आ जाते हैं आपके पास थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर आपके पास फेरो मैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, क्लियर। तो अब यदि बात करी जाए हमारे पास फेरोमैग्नेटिक की, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास ये वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जो हमारे पास आपके पास एक बार यदि मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई कर दिया गया, अप्लाई करने के बाद यदि हटा दिया गया तो भी फिर भी इनमें आपका मैग्नेटिज्म क्या होता है, बना रहता है। तो क्या हो जाता है हमारे पास, इट एक्वायर्स मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर applying it is removed, that is permanent magnet is formed, कि मतलब एक आपके पास permanent magnet form हो जाता है, और example हमारे पास क्या हो जाएगा इसका Fe3O4, है ना, लॉजिक समझ में आ रहा है, कि मतलब जैसे आपके पास सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया, अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराने के बाद यदि सपोज करो हमने आपके पास मैग्नेटिक फील्ड उसका हटा दिया, तो हटाने के बावजूद भी हमारे पास वो क्या करता रहता है आपके पास परमानेंटली ऑलमोस्ट आयरन जो मतलब जो अपनी मैग्नेटिक कैपेसिटी है उसको आपके पास वो शो करता रहता है, तो हम इसी को बोल देंगे आपके पास कि ये जो कंडीशन है आपके पास किसके अंदर आ रही है, फेरोमैग्नेटिक के अंदर आ रही है। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक में भी क्या होता है, अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट का मतलब जिसको हम बोलते हैं डोमेन्स, क्लियर, क्या बोलते हैं आपके पास डोमेन्स, इसी को बोलते हैं अलाइनमेंट, कि मतलब अलाइनमेंट का मतलब यह है कि आपको ये बताया जाता है कि उसमें मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज्यादा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा, या कितना होगा, बात सुन में आ रही है, कि मतलब हम कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराएं जिससे कि एक बार वो फुली मैग्नेटाइज हो जाए, कि फिर हम यदि उस मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें तो आपके पास वो अपना परमानेंट मैग्नेट बन जाए, तो ये जानना बड़ा जरूरी होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ये बता रहा है केवल कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जहां पर आपने यदि एक बार उसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करा दिया और वो मैग्नेटाइज हो गया, तो फिर यदि उस मैग्नेटिक फील्ड को आप हटा दो तो आपके पास वो ऑलमोस्ट आपका परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। यदि आपसे बोला जाए कि ये जो मैग्नेट होते हैं ये बनते कैसे, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, नेचुरल मैग्नेट आपको बनाना है, आप एक आयरन का पीस लो, अर्थ को थोड़ा सा डगआउट करो, मतलब खोदो उसको थोड़ा सा गहरा, उसमें आप आयरन का पीस डाल दो, अब 15 टू 20 ईयर्स आफ्टर यदि आप उसको देखोगे तो वो एक मैग्नेट बन चुका होगा, और इसीलिए पूरा चैप्टर है हमारे पास कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी है हमारे पास, है ना, जो फिजिक्स में एक्सप्लेन करी गई है कि अर्थ आपके पास एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, ये भी एक उसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली अर्थ उसको क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराता है, और जब वो एक आयरन का पीस एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में रखा रहता है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, और फिर यदि आप उसको अर्थ से निकाल भी लोगे तो क्योंकि एक बार वो मैग्नेटाइज हो चुका है तो वो अपना मैग्नेटिज्म कभी लूज नहीं करेगा, और दैट इज द रीजन हमारे पास वो आपका परमानेंट मैग्नेट हो जाता है।
समझ में आ रही? तो बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है हमारे पास, तो समझिएगा चीज़ों को हमारे सामने। तो क्या होता है कि जो अलाइनमेंट होता है, इस अलाइनमेंट के बिहाफ पे हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को डिवाइड कर दिया जाता है तीन पार्ट में, जिसमें से पहला हो जाता है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक, क्लियर। दूसरा आपके पास एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, और तीसरा हो जाता है फेरी मैग्नेटिज्म। देख लेते हैं जरा उनको क्या हो जाता है। सो देख लेते हैं जरा इसके हमारे पास डोमेन्स के बिहाफ पे। तो ये जो आपके पास है फेरोमैग्नेटिज्म, मतलब कि फेरो मैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्लियर। ये तीसरा नंबर था हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसके तीन पार्ट्स हो गए हमारे पास। पहला हो गया हमारे पास फेरो मैग्नेटिज्म, क्लियर। कि फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या हो गया, फेरो मैग्नेटिज्म। अब इस फेरो मैग्नेटिज्म में हमको बहुत ध्यान से समझना है कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है। तो अभी अभी हम आपको बता के गए कि फेरो मैग्नेटिज्म जो हमारे पास पार्ट होता है, इस पार्ट में आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग होता है। अब जब इतना ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास ऑब्वियस सी बात है हमारे पास पैरामैग्नेटिक में, सॉरी परमानेंट मैग्नेट में, क्लियर। कि जब स्ट्रांग मैग्नेटिक होगा तो डैट मीन्स आपके पास जो इसमें अलाइनमेंट होता है हमारे पास, उस पर आपको ध्यान देना है। अलाइनमेंट जो इस पर होता है वो कुछ ऐसा होता है, सारे के सारे हमारे पास आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसी होती है, अपवर्ड होती है। इसी को बोल देते हैं हम क्या, डोमेन। पर्सन में आ रही, डोमेन का मतलब कि जो आपके पास स्मॉल पैकेट्स होते हैं हमारे पास किसके, जो ऑलमोस्ट आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं, तो उनके जो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स होते हैं तो वही हमारे पास जाकर के आपका ये कंडीशन को जनरेट करते हैं। तो यदि हम आपसे बोले कि इसका हमारे पास एक एग्जांपल दे दो कि जो आपके पास ऑलमोस्ट फेरोमैग्नेटिक हो, तो फेरोमैग्नेटिक का एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा CrO2, क्लियर। तो अब लॉजिक समझिएगा कि सारे केसेज में मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके पास, जो भी आपके पास डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट की, वो अपवर्ड है। तो जब मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो यहां पर जो आपके पास है वो हाई मैग्नेटिक मोमेंट होता है। क्या होता है हमारे पास, हाई मैग्नेटिक मोमेंट। तो जब बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है हमारे पास और उसके कांटेक्ट में किसी मटेरियल को रखा जाता है, तो एक बार यदि वो मैग्नेटाइज हो गया, जैसे हमने अभी अभी बताया कि आयरन के पीस को आपने रखा है, यदि अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट उसके कांटेक्ट में, तो इतना ज़्यादा मैग्नेटिज्म उसको मिल गया कि वो पूरी तरीके से परमानेंट मैग्नेटाइज हो गया। तो मतलब जो पैरा मैग्नेटिक दैट इज परमानेंट मैग्नेट फॉर्म होते हैं वो इसी कंडीशन में फॉर्म होते हैं। समझ में आ गई बात, अलाइनमेंट का मतलब समझ में आ रहा है ना। अलाइनमेंट का मतलब यह है कि सारे यदि एक डायरेक्शन में हो गए तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक मोमेंट है, वो बहुत हाई हो जाएगा। जब हाई हो जाएगा उसमें यदि किसी सब्सटेंस को रखा जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिज्म एक्वायर कर लेगा और अपने आप को परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट कर देगा। बाद में यदि उस मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दिया आपने तो भी कोई फर्क हमारे पास नहीं पड़ने वाला, क्लियर है। तो ये हो गया आपके पास फेरो मैग्नेटिज्म। दूसरा होता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ये इसी के पार्ट है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के, याद रखिएगा। तो अब ध्यान समझो, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म मतलब जस्ट इसका अपोजिट। तो यहां पर यदि आप अलाइनमेंट देखना चाहो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बड़ा सिंपल सा, कि एक यदि अपवर्ड है तो दूसरा डाउनवर्ड, फिर एक अपवर्ड है तो दूसरा डाउनवर्ड, फिर एक अपवर्ड है तो दूसरा क्या हो गया, डाउनवर्ड। तो यहां से जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया हमारे पास वो क्या आ गया हमारे पास, जीरो। और यदि नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया तो मतलब ये एक तरीके से वीकली मैग्नेटाइज कर देगा, ना के बराबर, मतलब जस्ट इसका अपोजिट, कि इतने इसने इतना स्ट्रांग कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बावजूद भी वो परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये आपके पास उसका जस्ट अपोजिट, क्योंकि एंटी लगा ना, तो एंटी का मतलब यही होता है कि एंटी मतलब कभी सीधा हो ही नहीं सकता वो। तो इसका एग्जाम्पल यदि हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, MNO, क्लियर। और सी नंबर है हमारे पास फेरी मैग्नेटिज्म, क्या, फेरी मैग्नेटिज्म। तो यहां पर जो अलाइनमेंट होता है, ध्यान समझिएगा, अलाइनमेंट वो आपके पास कोई एक रेगुलर टाइम में नहीं होता। जैसे यहां पर आप समझिएगा, ये अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड हो गया, फिर पता चला दो अपवर्ड है, फिर एक डाउनवर्ड हो गया, फिर आपके पास समथिंग जैसा हो गया। तो मतलब यहां पर इरेगुलरिटी रहती है, क्या, इरेगुलर
अरेंजमेंट, कि मतलब यहाँ पर कोई आपके पास अरेंजमेंट रेगुलर नहीं रहता है, इरेगुलर रहता है, और डैट इज द रीजन कि यहाँ पर सम नेट मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट, कुछ ना कुछ आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर आपके पास एग्जिस्ट करेगा करेगा, लेकिन जितना मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास उस केस में होगा उतना मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास इनमें से किसी भी केस में हमारे पास लाई नहीं करेगा, और डैट इज रीजन की हम कह सकते हैं आपके पास कि ये क्या हो गया हमारे पास ऑलमोस्ट फेरी मैग्नेटिज्म। बात समझ में आ रही है, बस क्लियर है, लॉजिक समझ में आ गया। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट आता है हमारे पास, क्या आता है हमारे पास नोट, ध्यान समझिएगा कि जो फेरो मैग्नेटिज्म सब्सटेंस होते हैं हमारे पास, फेरो मैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस हैज अ कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर एबव दिस टेम्परेचर नो फेरो या नो सच टाइप मटेरियल या सच टाइप सब्सटेंस एग्जिस्ट सच टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। क्या क्यूरी टेम्परेचर की मतलब जो ऐसा टेम्परेचर, मतलब फेरोमैग्नेटिज्म जो होते हैं हमारे पास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास, ये एक फिक्स पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, और यदि आपके पास उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो ये आपके पास फिर एग्जिस्ट उस पर नहीं करेंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है, फिर ये अपना मैग्नेटिज्म क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है पास, तो वो जो फिक्स टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर आपके पास ये लिमिट रहती है कि हाँ भाई यहाँ तक करेगा, तो उसी को बोलते हैं हम क्या, क्यूरी टेम्परेचर। अब उसके नीचे दो पॉइंट हमारे पास और देख लीजिए, बड़ा अच्छा सा पॉइंट है कि जैसे V2O3 है हमारे पास, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंटी फेरोमैग्नेटिक स्टेट से किसमें, पैरामैग्नेटिक स्टेट में, कि मतलब एंटी फेरोमैग्नेटिक से ये पैरामैग्नेटिक में चला जाएगा, और पैरामैग्नेटिक में आपने पढ़ा हुआ है कि अनइलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिक में तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है ही नहीं, तो वहाँ कुछ ना कुछ तो होगा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 150 केल्विन पे। क्लियर। दूसरा पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है कि जो Fe3O4 है वो बिकम्स पैरामैग्नेटिक फ्रॉम फेरी मैग्नेटिक एट 850 केल्विन। यदि 850 केल्विन से हमारे पास प्रोवाइड करा दें हम आपके पास किसको, Fe3O4 को, तो वो फेरी मैग्नेटिक से किसमें चला जाएगा हमारे पास, किसमें, यस एंटी फेरोमैग्नेटिक। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है कि मतलब फेरी मैग्नेटिक में आपके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट उसमें है, लेकिन सॉरी पैरामैग्नेटिक में हमारे पास, तो वो आपके पास चला जाएगा किसमें, पैरामैग्नेटिक में, दैट मीन्स कुछ ना कुछ उसमें ज़्यादा कंडक्टिविटी हो जाएगी, ज़्यादा वो मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट करेगा यदि हमारे पास वो टेम्परेचर दे दिया गया उसको, कितना, 850 केल्विन। लॉजिक समझ में आ रहे हैं हमारे पास। तो ये थे हमारे पास दो पॉइंट, यहाँ से हमारे पास ये पोर्शन पूरा आपका खत्म हो गया। लास्ट में एक हम टेबल देख लेते हैं जिसमें सारे मटेरियल्स क्लासीफाई होंगे पाँचों। अब सामने देखिएगा आपके पास बोर्ड में एक टेबल आ गई होगी, इस बोर्ड की टेबल में आप देख पा रहे होंगे कि प्रॉपर क्लासीफाई किया गया हमारे पास। पहला नंबर पे डायमैग्नेटिक TiO2, फिर B2O5, फिर ऐसे पैरामैग्नेटिक लिखे हुए हैं सब्सटेंस, फिर फेरोमैग्नेटिक लिखे हुए हैं, फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक लिखे हुए हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक बहुत ज़्यादा है, और लास्ट में आपके पास फेरी मैग्नेटिक। क्लियर है। तो ये इसलिए टेबल दिखाई आपको ताकि आप इसको समझ पाएँ कि हाँ हमारे पास ऑलमोस्ट कैसे हमको याद रखना है। तो कुछ कुछ एग्जांपल्स तो आप इसके याद ही रख सकते हैं, बहुत सिंपल सा हमारे पास, जैसे फेरी मैग्नेटिक का एक एग्जांपल है Fe3O4। लॉजिक सुन मेरे पास क्लियर है। तो ये था हमारे पास पूरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। अब इसमें यदि कोई आपसे ये बोल दे कि भाई कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, कुछ और, तो आपसे कोई बोल दे कि सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, तो सुपर कंडक्टर आप बता दो कि भाई सुपर कंडक्टर जिसमें एक भी रेजिस्टेंस नहीं होता करंट के लिए। कंडक्टर में तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता भी है जब वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, लेकिन सुपर कंडक्टर में तो बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं होता। क्लियर है, बात समझ में आ गई वापस। तो ये था पूरा टॉपिक हमारे पास आज का। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि CBSE ने इस पूरे टॉपिक को सॉलिड स्टेट से इस ईयर के लिए हटा दिया है। अब आप बोलो सर पहले क्यों नहीं बताया, पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप फिर वीडियो को देखते नहीं, और नहीं देखते तो हमारा कोई लॉस नहीं था। लॉस समझिए जरा क्या है, लॉस ये कि CBSE ने इस ईयर जो सिलेबस कम किया है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई हैं स्टूडेंट्स के लिए,
अब इस ईयर के जो स्टूडेंट्स होंगे वो उन उन टॉपिक को नहीं पढ़ पाएंगे। कुछ होंगे जो अपनी तरफ से पढ़ने की कोशिश करेंगे लेकिन सारे टॉपिक्स वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो टॉपिक टीचर नहीं पढ़ाएंगे। और लेकिन कॉम्पिटिशन में तो सारे टॉपिक्स आएंगे, फिर क्या करेंगे हम? तो दैट इज़ द मेन थिंग कि आपको फोकस सारे टॉपिक पे करना है। इसके बाद एक वीडियो डिटेल्ड आएगा सिलेबस का कि कौन से टॉपिक हैं सीबीएसई में, कौन से टॉपिक सीबीएसई ने हटा दिए। पूरे टॉपिक्स उसमें डिटेल में होंगे आपके पास। हम सारा आपको दिखाएंगे कि ये टॉपिक है हमारे पास एक्चुअल में, लेकिन ये टॉपिक्स हटा दिए गए। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको सारे पढ़ के जाना है कि क्या करना है। आप फोकस उन्हीं पे करो जो आपके पास सीबीएसई के सिलेबस में है, बट हमको उनको भी कवर करना है क्योंकि हमको कॉम्पिटिशन देना है। और नहीं देना तो एज यू विश, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। सो यहाँ से सॉलिड स्टेट खत्म हो गया पूरी तरीके से। जहाँ पर हमको एग्जाम्पल्स, जहाँ पर हमको न्यूमेरिकल्स चाहिए थे, सारे लेक्चर्स हमने कराए हुए हैं। इस पूरे वीडियो के लेक्चर में आपके पास जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। डिटेल नोट्स के लिए आप आरसी क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन एंजॉय एंड बी मोटिवेटेड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके।